मैं सीएम को बोला कि बैठिए ऑफिस में बैठे रेवंत रेड्डी, मैं शुक्रिया अदा करूंगा, वक्त दिए, पूरा बैठ कर उनसे हम पूरा बात किए, ये है ये चीज हो रही, ये चीज हो रही और इसको करना चाहिए। तो रेवंत रेड्डी भी बोले कि मैं एक आईजी को वहीं बिठा के रखा, एडिशनल डीजी महेश भगवत को भिजाया हूँ। हमारा उनको बोलना ये था कि जो पुराना आदिलाबाद है, जो पुराना करीम नगर है, जो पुराना रंगारेड्डी है, जो पुराना महबूब नगर के इलाके हैं, जहां पर एक तारीख है, जहां पर वक्तन फोक्तन कुछ ना कुछ वाकयात होते हैं, उन मुकामात पर आप एक बेहतरीन पुलिस ऑफिसर से तकरर करो, ना वो इन मुसलमानों का साथ दे ना कि दूसरे मजहब का साथ दे, बस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, किसी की जान को नुकसान ना हो, किसी के दुकान को नुकसान ना हो, किसी के घर को नुकसान ना हो। अब हर कोई एक मॉब को लेकर आकर दुकानों को जलाएगा, मस्जिद पे हमला करेगा, ये ठीक नहीं है ना। ये तो हुकूमत के अखबार मुतासर होता है इससे, और इसके पुलिस के ताल्लुक से लोगों में एतमाद कम हो जाता है कि भाई पुलिस की मौजूदगी में सब हो रहा है। तो एसपी, एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी, इंस्पेक्टर, अच्छे लोगों का अगर तकरर हुकूमत करेगी, कोई भी पावर में रहो, मगर आवाम को तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक वहां पर कपड़ों की दुकान है जयलूर में, पूरी दुकान 3.5-4 करोड़ की बर्बाद हो गई, मैं रोड पे आ गया, घर में एक नुकसान, मस्जिदों पे नुकसान। अच्छा, हैरत अंगेज बात ये जयनूर में कि मस्जिद में हमला करे तो पहले जाकर क्या करे, वो जो क्या बोलते हैं सीसीटीवी का वो रहता ना डब्बा, डीवीआर लेके भाग रहे ये जालिम लोग। मैंने इनको मालूम, बोले कि भाग गए तो हमारा रिकॉर्डिंग नहीं आएंगी। अच्छा, जो जयनूर की पुलिस को मैं ये बताना चाह रहा हूं, अरे जो आदमी पेट्रोल ला के दिया उसको तो पकड़ो, तुम एफआईआर में नाम क्यों नहीं लिख रहे उसका। अगर 110 घरों पर हमला हुआ है तो 110 एफआईआर इशू होना, वहां पे 11 घर को नुकसान हुआ तो 11 घर के एफआईआर इशू होना, कितने गाड़ियों का नुकसान हो, 44 गाड़ी मोटरसाइकिल नुकसान हो उसका एफआईआर इशू होना। खाली 6 ये 6 ये क्या बैलेंसिंग कर रहे हैं आप, एफआईआर इशू होना, हम मुतालबा करते जयनूर के एसपी से, मजाक है क्या ये एफआईआर इशू होना। आप तो नया कानून में तो आपको एफआईआर इशू करने के लिए आपको टाइम भी दिया गया, मगर एफआईआर तो इशू करो आप। जब तक आप साथियों को जेल को नहीं भिजाएंगे, मुस्तकबिल में फिर गड़बड़ होगी। और जयनूर में तो 3.5 महीने से तनाव चल रहा था वहां पर, तो ये हम हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि आप इसको देखें। चीफ मिनिस्टर से बहुत अच्छी मुलाकात हुई, तो इन सब बातों को सुने और बोले कि आप फिक्र मत करिए, आप लोग जो जो बोले। फिर चीफ मिनिस्टर बोले कि एक थोड़े दिन के बाद फिर हम लोग बैठ के बात करेंगे, क्योंकि तेलंगाना की तरक्की मुतासिर होती है फसादात से, गबड़ से। मैंने कहा बिल्कुल, हम भी मानते हैं, हम नहीं चाहते कि किसी को भी कोई गबड़ हो, इसीलिए तो जब गणेश विसर्जन आया तो हम अपने इस जलसे को एक हफ्ता पीछे कर लिए। मिलाद कमेटी के लोगों को बोले कि भाई जुलूस आप बाद में निकालिए, शहर का अमन हमारे लिए बहुत जरूरी है, तेलंगाना का अमन हमारे लिए बहुत जरूरी है। और हम बार बार हुकूमत से बोल रहे कि किसी का भी मजहबी त्योहार हो, आप रूट बनाइए, रूट पे सीसीटीवी कैमरा लगाइए। अब तो पुलिस वाले खुद अपने कपड़ों के ऊपर कैमरा लगा सकते हैं, आप फॉलो करिए उनको, जो बदमाशी कर रहा हो उसको आप केस बुक करो उसके ऊपर। आपके पास अब तो वो एविडेंस भी कोर्ट में प्रोड्यूस हो सकता है, जो नया कानून पार्लियामेंट में पास हुआ, वीडियो एविडेंस प्रूव हो सकता है, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो ये बातें हैं जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता था। बहरहाल, एएचए न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।